हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं मदरसन के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17 मार्च 2023 के लिए। तो चलिए हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स ही दे दी। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मदरसन में यहाँ पे आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें 10.81% का एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला। क्लोजिंग यहाँ पे 68.50 पे देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही यहाँ पे नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है, उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, जरूर हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में, बात करते हैं आने वाले दिनों में क्या देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम हमें आज के दिन देखने मिला। कैंडल यहाँ पे जरूर देख सकते हैं मीडियम टू लास्ट के नीचे के समय में बहुत ही बड़ी विक भी देखने मिला, बड़ा एक गैप डाउन जो हम देखने मिल रहा है। आरएसआई की बात करें 27.26 यानी कि ओवरसोल्ड एरिया में जो एंट्री ले चुका है हमारा आरएसआई, जो हमें यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है। लेकिन याद रखना कई और सारे फैक्टर्स होते हैं, उसे भी हमें जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें। तब अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो करेंटली आने वाले दिनों के स्टॉक में मेरा ओपिनियन जरूर एक पॉजिटिव मूवमेंट का एक्सपेक्ट। स्टॉक में हमें अपसाइड मूव सबसे पहले 70.15 के आसपास देखने वाला, उसको भी क्रॉस करते हुए क्या तो स्टॉक में अपसाइड मूव जो है 71.95 तक आते हुए देखने मिल सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक में इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखते हुए चले। बाकी यहाँ पे जो आने वाले दिनों का हमारा जरूर ओपिनियन अपसाइड मूव का है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड भी जो है अभी भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। बाकी आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, हमें जरूर कमेंट करके बताना। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए क्या लेवल्स बनते हैं वो आपको बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको बाइंग करनी है तो स्टॉक कभी भी आपको जब वापस से 66.5 के आसपास आते हुए देखने मिले, जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें। लेकिन ये क्योंकि जो है आपका लॉन्ग टर्म का लेवल है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना जो है 20-25% का कैपिटल यूटिलाइज करना है। बाकी कैपिटल आप होल्ड करके जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको जो 10-20% का देखने मिले तब आप एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करना, जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी अब रही बात मेरे ओपिनियन की शॉर्ट टर्म के लिए, तो शॉर्ट टर्म के लिए मेरा ओपिनियन जरूर यहाँ पे जो आपको कहूँ तो 79.64 के बाद स्टॉक अगर आपको दो दिन तक सस्टेन करते हुए देखने मिले जरूर जब वहाँ पे बाइंग करें, वहाँ से आपको 5-10% का इजिली अपसाइड मूव जो है 10-15 ट्रेडिंग डिसीजन आते देखने मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए वनआर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलना। तो यहाँ पे वनआर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है, ऑलरेडी सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क्ड है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो वो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक से एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग यहाँ पे मैं बात करूँ तो 68.70 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 68.55 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 69.20 का। याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कंफर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटजी का जो वीडियो ऐड किया है जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहां पे हमने किस तरह से आपको कंफर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से आप अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया, तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट तो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या अगला सपोर्ट आता है 67.90 का, उसके बाद क्या था 67.45 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 69.70 का, उसके बाद क्या था 70.10 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपको बताया जरूर आप उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ तो मेरा ओपिनियन स्टॉक में यहाँ पे जरूर पॉजिटिव मूवमेंट का नेगेटिव साइड का चांसेस है कि हमें जो है 67.90 से लेकर 60.55 के रेंज में क्लोजिंग देखने में। ओवर कल के दिन जो है हम यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कल के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।